नमस्कार, मैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहनी अपनी ओपीडी में देख रहा हूँ कि ओटाइटिस मीडिया जो कि कान का इन्फेक्शन है उसमें भी लोगों में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। मित्रों, क्या होता है कि कान का ये ईयर है, ये कान की कैनाल है, इसके अंदर एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रहता है, उसके साथ तीन हड्डियाँ रहती हैं और फिर इनर ईयर रहता है। अपन जब बोलते हैं तो पर्दा हिलता है, हड्डियाँ झूलती हैं और नस द्वारा सुनाई पड़ता है, पर कई बार और इस मिडल ईयर के अंदर, मिडल ईयर क्या है, एक माचिस की डिब्बी की तरह, उसमें क्या होता है कि वेंटिलेशन के लिए मतलब एयर के लिए एक ट्यूब लगी होती है जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, जो कि नाक के पीछे खुलती। कई बार जुखाम की वजह से वो ट्यूब सूज जाती है या बंद हो जाती है या कोई क्रस्ट रुक जाता है, जिससे समझ लो कमरे की खिड़की बंद हो जाती है और मिडल ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन में अगर मरीज को दर्द हो रहा है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करता है। कई बार दर्द नहीं होता है, सिर्फ खुजली बचती है, भारीपन रहता है, तो वो टाल देता है। वो टालना ठीक नहीं, कई बार उस टालने से फ्लूइड बढ़ जाता है और बाद में जब दर्द होता है तो जब वो डॉक्टर नाक कान गला रोग विशेषज्ञ को दिखाता है तो तुरंत फ्लूइड निकालने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वो कान के पर्दे में छेद कर देता है, जिससे कि आगे चल के सुनाई में भी परेशानी आती है। और अगर इसका ध्यान नहीं दिया जाए तो कोलिस्टिटोमा भी बन जाता है। कोलिस्टिटोमा मतलब एक कोलिस्टिटोमा मतलब और उससे विकृत रूप, क्रॉनिक रूप ले लेता है, मतलब बीमारी बड़ा रूप ले लेती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कान में अगर खुजली मचे, कान में भारीपन आए, सुनाई में थोड़ा सा कम पड़े, भले दर्द ना हो, तुरंत नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाएं, उससे संपर्क करें, वो नाक का ड्रॉप या कुछ एंटी एलर्जी लिखकर आपको ठीक कर सकेगा और आपको जल्दी ही आराम पड़ जाएगा। धन्यवाद।